नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कोल इंडिया एवं उसके अनुसंगी इकाइयों में भ्रष्टाचार किस स्तर तक पहुंचा हुआ है और भ्रष्टाचार के घुसने से उसके क्या परिणाम श्रमिकों को भुगतने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण माफियाओं को सह मिलता है और माफियागिरी पनपने के साथ ही वो मजबूत होता है, और जब माफियागिरी चलेगी तो स्वाभाविक है कि श्रमिकों के हित की बात कम होगी, उनके हित की बात ज्यादा होगी। जब भी हम चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार की तो एक नहीं, कोल इंडिया में जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं उनके वरीय नेताओं का यह कहना है कि यह भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर के नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया है। अगर ऊपर के पदाधिकारी सशक्त हो जाएं, ऊपर के पदाधिकारी ईमानदारी से काम करें तो स्वाभाविक है कि नीचे के लोग ईमानदारी से काम करेंगे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। लेकिन यहां सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपने अपने आर्थिक स्रोत मजबूत करने हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करने हैं, इसे लेकर कई बार नीचे स्तर की बात तो छोड़ दीजिए, मुंशी और ओवरमैन की बात तो छोड़ दीजिए, परियोजना पदाधिकारी की बात छोड़ दीजिए, महाप्रबंधक स्तर तक के पदाधिकारी भी न केवल निगरानी के घेरे में है बल्कि उनके यहां निगरानी विभाग का छापेमारी हुआ है और आज कई लोग उस जांच के घेरे में हैं। इसकी संख्या भी एग्जैक्ट ट्रेड यूनियन के लोगों के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि उनकी संख्या एक दो में नहीं है बल्कि दर्जनों में भी नहीं है, वह संख्या सैकड़ों तक पहुंच सकती है अगर उसकी गिनती की जाए। ऐसी स्थिति में कोयला उद्योग को चला पाना या कोयला उद्योग को मुनाफे में लाना यह संभव नहीं है। जब तक लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक स्थिति यही बनी रहेगी। हम बात करेंगे आज भारतीय मजदूर संघ, जिसे कई बार यह कहा जाता है कि यह भाजपा की अनुसंगी इकाई के रूप में काम करती है, लेकिन भाजपा के ही बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, भारतीय मजदूर संघ के बड़े नेताओं का यह कहना है कि हम लोग भाजपा और भारतीय मजदूर संघ विचारधारा भले ही एक हो, राष्ट्रवादी सोच लेकर हम लोग चलते हैं, लेकिन श्रमिक हित की बात जब भी आती है तब हम लोग यानी संघ और सरकार के बीच ठनती है। उदाहरण के तौर पर यह कहा गया कि जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक आर्थिक नीति लेकर के पहुंचे जिसका नुकसान या जिसका असर श्रमिकों पर पड़ रहा था। तब भामस के संस्थापक सदस्यों में शामिल दंतोपंत ठेगरी ने इसका जबरदस्त विरोध किया और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर भाजपा की इस प्रकार की नीति रही तो आने वाले समय में भाजपा की सरकार चली जाएगी, और हुआ भी यही। इन्हीं सब मुद्दों पर हमने भारतीय मजदूर संघ के वरीय नेता एवं जेबीसीसीआई के सदस्य सुरेंद्र पांडे जी से बात की है, उन्होंने इस मुद्दे पर खुल करके बातें कही है और जो उन्होंने कहा है उनकी बातचीत क्या हुई है, किस सवाल का क्या उन्होंने जवाब दिया है, ये हम सुनेंगे। तो आइए चलते हैं उनसे बातचीत, उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का क्या मतलब कोल इंडिया के अधिकारियों में भी है और ऐसा लगता है क्या? कोल इंडिया के अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार देखी जा रही है, ऐसे कई मामले आए हैं
कई के जीएम स्तर के नीचे का तो छोड़ दिया जाए, मैनेजर और पीओ और जीएम स्तर के अधिकारी भी भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, तो क्या इसमें और बढ़ोतरी हुई है पहले से कि और घटने का उम्मीद है? देखिए, अभी ये बढ़ोतरी और घटने का आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ऊपर से ही नीचे आता है, ये मैं जानता हूँ। ठीक जी है, अगर मेरे पास आंकड़े नहीं है इसलिए जी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका बड़ा अध्ययन नहीं है कि कहाँ जी कितना भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन ये भ्रष्टाचार ऊपर से ही होता है और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ऊपर बोले तो मतलब चेयरमैन स्तर से या सीएमडी स्तर से? जी नहीं, कहीं भी किसी भी लेवल पर ऊपर को जहाँ बैठे रहेंगे उसका स्तर ऊपर वाला जो रहेगा वो कोई जरूरी नहीं कि चेयरमैन तो कोल इंडिया में बैठता है, जी एरिया का ऊपर वाला कौन होगा, जनरल मैनेजर होगा, जी परियोजना में होगा तो सब एरिया मैनेजर होगा, खदान जी में होगा तो माइंस मैनेजर होगा, है जी ना। वहां से जहाँ हम बैठे हैं वहीं से शुरुआत होती है, ऊपर से ऊपर जी ऊपर कहीं भी हो सकता है। जी जी पेड़ पेड़ सूखता है ऊपर से, नीचे कौन सकता है। सही बात, सही बात। ऐसे वैसे ही भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। जी, नहीं बात तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो है बीएमएस के बारे में कहा जाता है कि भाजपा की विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है कि भाजपा सरकार से थोड़ा इम्प्रेस्ड होगा, लोग ऐसा चर्चा करते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आपको इसमें क्या कहना है? क्या होता है, लोगों को या तो इतिहास पता नहीं है या तो पता हो करके भी अनभिज्ञ गया है। हम मानो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना ही जो है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी, जी ठीक है, जी गैर राजनीतिक संस्थान, और भारतीय मजदूर संघ की गैर राजनीतिक रचना की 23 जुलाई 1955 को जब गैर राजनीतिक संगठन के रूप में हम खड़े हुए तो कम्युनिस्टों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। ये कोई भी मजदूर संगठन बिना राजनीति की चल सकता है क्या? ये हाफ पैंट वाले, निक्कर पहनने वाले, ये इनको आरमा दक्षा करने वाले, इनको मजदूर संगठन चलाने थोड़ा आता है। ये सब काम तो हम लोगों का है, जी ये तो नए मुल्ला है इस क्षेत्र के, आज हैं कल चले जाएंगे। तो 23 जुलाई 1955 को जब हमने नॉन पोलिटिकल शब्द कहा तो तमाम संगठनों ने आज जो जुड़े हुए हैं, कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट, सबने खिल्ली उड़ाई है हमारी। और अंत में अंतत्वगत्वा उसके 25-30 वर्षों बाद जब जब जो है विश्व स्तर पर इस पर सम्मेलन हुआ है ना, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक विषय उठा कि मजदूर वही कौन सा मजदूर संगठन मजदूरों का सही भला हो कर सकता है। उसमें प्रश्न खड़ा हुआ कि राजनीति से जुड़ा संगठन, गैर राजनीति से जुड़ा संगठन, उसमें गैर राजनीति से जुड़ा संगठन ही सही मायने में मजदूरों का भला कर सकता है। ये प्रस्ताव भारतीय मजदूर संघ लेकर आया और इस प्रस्ताव का समर्थन सारे देशों ने किया और वो प्रस्ताव वहां पारित हुआ कि वास्तव में कोई भी ट्रेड यूनियन जो इसका स्वभाव गैर राजनीति हुआ वही मजदूरों का सही मामले में भला कर सकता है। तो 23 जुलाई 1955 को जिस सोच को लेकर हम खड़े थे वो आगे 25-30 वर्षों बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर रेजुलेशन के रूप में सारे विश्व ने स्वीकार किया। तो आज तो जो हम इस देश में कह रहे हैं वही विश्व कह रहा है, और यही सत्य है। देखिए, विचार विचारधारा में एक रूपता होना अलग बात है। दत्तोपंत जी की जब जब सरकार थी बीजेपी की, तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे। 2004 की बात है, उन्होंने खड़े होकर के आपके रांची के बगल के ही है अर्थमंत्री, आजकल तृणमूल में चले गए हैं, क्या नाम उनका, तृणमूल में चले गए अर्थमंत्री से, रांची के आसपास जिनका बेटा बीजेपी में है, लंबे पतले से जो तृणमूल ज्वाइन किए इस बार जाके, जी, नाम ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन है। अर्थमंत्री थे उस समय में यशवंत सिन्हा जी। अच्छा, हजार ही बात है। जी हाँ, यशवंत सिन्हा जी उस समय वित्त मंत्री थे 2004 में, जी और ऐसे ही आर्थिक नीति पर कुछ उन्होंने जो है
कुछ नई आर्थिक नीति की बात उन्होंने कही, कुछ बातें ऐसी मशीनरी नहीं लाने की बात कही, ऑटोमेशन की बात स्वीकार की, मैंने जो स्वदेशी के खिलाफ थी। दत्तोपन जी ने खड़े होकर के भाषण में कह दिया अपने लाखों लोगों के सामने, जी अटल जी इस समय देश के नहीं अखिल विश्व के नेता हो सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी से अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। अगर यही स्थिति इनकी रही तो इनकी सरकार आगामी चुनाव में नहीं आएगी और उनकी वाणी सत्य हो गई, 2005 में बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई। तो हम तो बीजेपी के पूरक कहने वाले लोग उनको 2004 में हमने जो कहा सरकार के सामने, वो उनको ध्यान में रखना चाहिए। दंगल की रैली 1991 में हमने निकाली है, और आज मोदी गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में सिंधिया जी के जमाने में, अभी इससे पहले की सरकार रही विधानसभा में, सिंधिया जी के खिलाफ जो है 2-2.5 लाख लोगों का मार्च करके नए लेबर लॉ कोड में उन्होंने परिवर्तन सबसे पहले किया, उसका हमने विरोध किया। मध्य प्रदेश में हमने विरोध किया, उत्तर प्रदेश में हमने विरोध किया, और आज भी हम लेबर कोड में जो जो मजदूर हित में लेबर कोड नहीं है उनका हम विरोध करते हैं, और जो हित में है उनका समर्थन करते हैं। तो सरकार के साथ हमारा रिश्ता इस आधार पर तय नहीं होता कि सरकार की विचारधारा संघ की है और हम भी संघ की विचारधारा के पूरक हैं। एक राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर के सरकार चल रही है और हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की है, तो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली दो बड़ी संस्थाएं हैं। हमारे और बीजेपी के बीच में सदैव मजदूर हितों को लेकर के जो है ठनी ही रहती है, और ठनी रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बीजेपी के साथ में कोई कोई रिश्ता, सीधा रिश्ता नहीं है, उनके हम पार्ट एंड पार्शियल नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट है। हम संघ की विचारधारा को मजदूरों में रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी संघ की विचारधारा को राष्ट्रवाद को नागरिकों में रिप्रेजेंट करती है। हमारा दायरा मजदूर है, लेकिन हमने भी अपने दायरे को मजदूर से बढ़ाकर नागरिकों तक लाया है, अभी सेवा सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए। इसीलिए नॉन पॉलिटिकल विचारधारा ही सही मायने में मजदूरों का भला कर सकती है, ये भारतीय मजदूर संघ का मानना जो है पूरा विश्व मानता है, इसी पर हम चलते हैं, इसलिए हमारी अनबन होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए कि अभी पिछले 10 में से ही, मतलब 10 का जो जेपीसीसी की जो बैठक हुई थी उससे, और इस बार भी हमको नहीं लगता है इंटक इसमें शामिल हो पाएगी, तो क्या इंटक के अनुपस्थिति में श्रमिक संगठन के 4 लोग हैं, तो क्या अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं या फिर मजबूत महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसा लग रहा है कि वो रहे या नहीं रहे मजदूर हित में काम करते रहे? नहीं, ये ना ना ये इस पर कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी अन्य संगठन का मामला है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। क्योंकि जो आदमी अपने अपने घर को नहीं संभाल सकता है ना, जी, वो मजदूर को क्या संभालेगा, मेरा ऐसा मानना है। जो नेतृत्व की लड़ाई के लिए ही सारा जीवन लड़ता रहा, जी, वो मजदूरों का नेतृत्व करने में कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, ये तो प्रश्न लगता है। अब इंटक आज 3 गुटों में बटा है, तीनों असली 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 इंटक कहते हैं, जी, तीनों जो अपने में ही केवल नेता की चमकाने के लिए लड़ रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे आप बताइए। जी जी सही बात, सही बात। मेरा तो मानना है कि पहले आप 3-1 नहीं हो सकते क्या? हमने तो ऑफर दिया है, इनके लिए सीट छोड़ी है हमने, सर मैनेजमेंट को कहा है उनके लिए सीट भी छोड़ी है हमने, जी जी, उनकी उनकी 4 सीटें खाली रखी है, 4 मेन 4 अल्टरनेट, जी आ जाइए। हमने डेमोक्रेटिक पद्धति को छोड़ा नहीं है, उनको कभी छोड़कर हम आगे नहीं गए, लेकिन उनकी आंतरिक कला है, जब वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो दूसरा क्या, तो हम लोग दूसरे उसको कोई टिप्पणी हम क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाए। देखिए कभी भी कोई किसी के आने का हमने विरोध नहीं किया है, ठीक है ना, जी जी, डेमोक्रेटिक पद्धति से जो सरकार की नियमावली है, जो जो मान्यता में है उसमें बैठना ही चाहिए, जी, है ना, ये उसको नहीं बैठने देना उसके साथ अन्याय होगा, जी, है ना, इसलिए सीटें खाली है, समझौता कर ले या कोर्ट जिसको असली इंटक कहता हो बताता हो आ जाए, या उनका इंटरनल मामला क्या है वो मुझे नहीं पता।
जी तक के इंटरनल मामले में कोई कमेंट में कर नहीं सकता, लेकिन जो आपने कहा कि इसलिए मैंने कहा कि जो तीन अगर एक नहीं हो सकते हैं तो वो मजदूर के मामले पर, जी तो बाकी मामले पर लड़ो इसमें तीन में एक हो जाओ वो भी तो नहीं हो पा रहे, कहाँ हो रहे हैं। सही बात, सही बात तीनों की तीन लिस्ट जारी हो रही है, बताइए मैनेजमेंट क्या करेगी। जी, किसको लगे लेकर के चलेगी। हाँ ये उनका इंटरनल मामला, क्या बोले इस पर, हमको दुख तो होता है, लड़ाई इतनी वर्चस्व की हो गई है, नेतृत्व की हो गई है, कोई मान कोई अपने को छोटा करने को तैयार नहीं है, कोई समन्वय बैठाने को अपने तैयार नहीं है, तो अपने अपना असली इंटक बनाए हुए हैं, तो ठीक है भाई क्या करेंगे। हाँ अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।